हाँ हेलो जी सर, मैं बिल्कुल काम कर रहा हूँ। जैसे आप चाहेंगे वैसे ही होगा। मैं पूरी ग्रुपबंदियाँ कर रहा हूँ और जो आप चाहेंगे हम बिल्कुल हम उसी को सीट पे बिठाएंगे जिसे आप चाहेंगे। हाँ, मैं करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? बस मैं ठीक हूँ, आप आ गई? क्या बात है सर, हमारे आने से पहले चाय है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके लिए अच्छा भाई, और बड़ी बात है, ये आपने ख्याल आपके किया। लिए। पहले तो बात बताएंगे क्यों बुलाया आपने। देखें, हम सब यूनियन वालों ने मिलकर ये फैसला किया है कि आपको बिठाना है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं हमारे। क्या क्योंकि अब जो कुछ कैनी साहब हमारे साथ कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको उठा कर आपको लेकर आए, लेकिन इस शर्त पर कि जो हमारे मुतालबात हैं वो आप पूरा करेंगे। देखिए, क्या मुतालबात है पता तो चले। कुछ हमारे वर्कर ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं, ठीक कुछ हमारे वर्कर ऐसे हैं जो मेडिकल से महरूम हैं, उनको मेडिकल सहूलियात आप फराहम करेंगे और उनका 5% भी आप ओके। चलो ठीक है, ये मुतालबा तो आपने बताया है ना, ये हमारे तो नहीं, हमें इससे क्या फायदा बताइए जरा। इनको सीट पे बिठा रहे हैं, कयानी को हटाकर इनको सीट पे बिठा रहे हैं। अच्छा, पहले जी तो आप ये बताइए कि मुतालबात क्या है। आप मुतालबात की लिस्ट मुझे दे दें, अगर मुझे लगे कि मैं सीट के अकॉर्डिंग पूरी कर सकती हूँ तो फिर इंशाल्लाह। ठीक मुतालबात दे देंगे हम। है जी, आपको एक लिस्ट चाहिए, हम आपको मुतालबात पूरे लिख कर दे देंगे। क्या खाना है? खाएंगी, चाय पियेंगी, बताएं? नहीं बहुत शुक्रिया, अभी एक्चुअली मुझे एक मीटिंग के लिए जाना ठीक है, है, तो फिर इंशाल्लाह कभी आप ओके इधर जाए खुद एंजॉय करें, ठीक फिर है, इंशाल्लाह ओके मिलते ओके हैं। अच्छा, लव यू, बाय। ओके ओके। मैंने अपनी सोच के मुताबिक ये काम को किस तरह शुरू करना चाहिए वो मैंने लोगों में तकसीम किया, मैंने जिम्मेदारी दी, लोगों से वोट दिलवाए, ये कामयाब हुए। तो जाहिर है कि मैंने इनको जिम्मेदारी दी, लेकिन अभी तक ये मुतमिन नहीं कर पा रहे, अपने काम से ये सिंसियर नहीं लग रहे, जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे, मेरी आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। जिस मकसद के लिए मैंने इनको जितवाया था वो ये काम नहीं कर रहे आवाम के लिए। मेरा एक ही मकसद है कि आवाम को सहूलत हो, आवाम जिस मुश्किलात में घिरी हुई है वहां से उसको निकालना है और उसके लिए बड़ी मेहनत करनी है। तो सर आपने क्यानी को क्यों बिठा दिया उस सीट पर? हाँ तुम सही कह रही हो कि मैंने कियानी को उसी पर क्यों बिठाया, जिम्मेदारी देने के लिए, लेकिन वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहा। मुझे कुछ अभी सोच ये सोचेंगे सर। कुछ करना होगा मुझे। नहीं ना, ये नहीं आप ऐसा करें कि जिसे भी चाहें आप चेयरमैन बना दें। हाँ जाहिर है, मैं पहले उसके इलेक्शन करवाऊंगा, वोटिंग करवाऊंगा, फिर जो उसमें मुंतखब होगा उसी को मैं बनाऊंगा। ये हुई ना बात सर, सही हर कह ओहदा अब हुई बात, ठीक कि भाई जो सर आसान समझेंगे नहीं बेहतर होता, कोई होगा, अब हम लोग तो सजेशंस दे मेहनत मेहनत, और मेहनत करेंगे तो बेहतरी हमारे लिए। अरे भाई, ये लॉटरी तो फिर तुम्हारे नाम की खुलनी है। ये लॉटरी की बात नहीं है, वोटिंग की बात है, वोटिंग की। वोट डलेंगे, इलेक्शन करवाऊंगा, फिर देखें कौन मुंतखब होता है, उसको मेरिट पर लाऊंगा। हाँ बिल्कुल, बस आदमी सोचता कुछ है और हो कुछ जाता है। इन सबको लाने का मकसद एक ही था,
के काम काम करना है लेकिन काम नजर नहीं आ रहा है, काम नजर नहीं आ रहा है मेरे मुताबिक जो मैं चाहता हूँ। मेरे आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, सहूलत मिलनी चाहिए। ये महंगाई वगैरह सब उसी वक्त काबू में आएगी जब हम आवाम को रिलीफ देंगे, उनको एहसास दिलाएंगे कि हालात ऐसे हैं, कुछ तुम आगे बढ़ो कुछ हम आगे बढ़े। लेकिन करप्ट लोगों को निकालना है मुझे हर लिहाज से। जब तक करप्ट लोग नहीं निकलेंगे करप्शन खत्म नहीं करेंगे। आप फिक्र ना करें, हम आपके साथ हैं ना। करप्शन खत्म होगी तो मेरे आवाम को सहूलत मिलेगी और इसके लिए हम सबको काम करना होगा। देखो मैं अब किसको बिठाता हूँ, क्योंकि अभी अभी तक तो मैं मुतमईन नहीं हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि शायद आप में से किसी को मैं सीट पर बिठाऊंगा, लेकिन समझा दूं मैं कि मुझे काम चाहिए जो आपको सही लगे सर। सब अपनी जगह, जो कुछ है बैठना उठना खाना पीना सब अपनी जगह, लेकिन काम पहले। ये खूबसूरत चेहरे खूबसूरत काम भी करके दिखाएंगे ना तो बात बनेगी। मेरी कामयाबी इसी में ही है। आवाम का मुझ पर एतमाद है तो मैं उस एतमाद को खराब नहीं करूंगा, ये मैंने सोच रखा है आवाम को सहूलत देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए क्याली साहब, सीट आपका इंतजार कर रही है। अपनी जिम्मेदारियों के साथ इस सीट पर बैठिए। पता है लोग बाग गुरु बना रहे हैं मेरे खिलाफ। पता नहीं सर। और वो इसलिए कि शायद मेरे लोग काम सही नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। जब काम नहीं कर रहे। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। जब हम काम सही नहीं करेंगे तो लाजमी नहीं सर, हम बिल्कुल नहीं मानते क्या नहीं साहब ग्रुप बनेंगे। वालेकुम अस्सलाम। उमर साहब मैं ये कह रहा हूँ कियानी साहब जो सीट पर बैठे हैं वो बगैर इलेक्शन किए हुए बैठे हैं, किसी को किसी ने वोट नहीं दिया। हाँ ये इंसाफ हो रहा है। सही कह रहे हो, बात है सही, लेकिन देखो एक एतमाद होता है मेरा भी और आप सबको मेरी बात मान ली। सर इनके खिलाफ हम दरखास्त दे रहे हैं, शिकायत भी नहीं। आप इलेक्शन करवाएं और जो जीते सीट का हकदार हो। बिल्कुल ऐसे ही होगा। मैंने अपने तौर पर बिठाया था एक जिम्मेदारी देकर। मैं अपनी मर्जी से नहीं बैठा, सर ने बिठाया तो बैठा हूँ। तुम्हारी बात मानता हूँ कि इलेक्ट के जरिए आएगा उसका इलेक्शन। ये कौन सी मीटिंग हो रही है जिसमें मेरी जरूरत नहीं महसूस हो रही किसी को? हमने पिटीशन दायर किए इनके खिलाफ, इन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। ये तो बदमाशी हुई सर। असल ना तुम्हारे पास कोई वर्कर है, ना तुम्हारे पास कोई बंदे है, ना तुम्हारे कोई साथ देता है, यहाँ पे कैसे चलेगा यहाँ पे ये निजाम बताइए मुझे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि किसने बिठाया इनको? किसने बिठाया तुम्हें यहाँ पे ये बताओ? वो बैठे वो और उनको किसने बिठाया? किसने बिठाया? मेरे सामने पूछा जा रहा है कैसे बिठाया? मैंने बिठाया इसको, जिम्मेदारी के साथ बिठाया है। कल मैं आपको भी बिठा सकता हूं। काम चाहिए मुझे। अगर क्या हिसाब से काम नहीं हो रहा है तो सीट चेंज होगी, इलेक्शन भी होगा, लेकिन वो भी अगर काम सही नहीं करेगा इलेक्ट के होने के बाद। हाँ लेकिन ये है कि वोटिंग होनी चाहिए। वोटिंग होगी। वैसे भी अगर देखा जाए तो सीट का असल हकदार मैं हूं। अरे मैं हूं, मैंने बोला। देखे बिठाया तो मैंने ही है, तुम जानते हो कि मैंने मेरिट पे बिठाया। अब ये नहीं पता कि उन्हें काम क्यों नहीं कर पाए। हाँ ठीक है, वोटिंग होगी, इलेक्शन होगी, मैं तुम सबसे मैं अपनी कोशिश तो पूरी करूंगा। इलेक्ट के जरिए जो आएगा वो काम करेगा, और काम नहीं करेगा तो मैं उसको उतार दूंगा। क्यों चौधरी साहब तुम क्या कहते हो? जब ये ग्रुप इनके खिलाफ है, मैं इनके खिलाफ नहीं हो सकता, मैं उनके खिलाफ। बिल्कुल ठीक है, मैं अभी फिलहाल ऐसा करता हूँ कि इन दोनों में से किसी एक को क्याने की सीट पर बिठाता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से वोटिंग लेता हूँ।
जो जीत गया उसको उस सीट पर बिठा दूंगा, लेकिन शर्त वही है कि काम करना है, काम में अहमियत। लेकिन उन्हें अख्तियार मत देना। तो तुम बताओ अख्तियार किसको दें? जब फैसला हो जाएगा। देखो अख्तियार देंगे ना तो काम बनेगा। नहीं अख्तियार दें, लेकिन उनको दो जिनको सारी चीजों को पता, और मुझे पता है। ठीक, और मुझे इसका पता है। है जो वोटिंग के जरिए आएगा फुल मालिक होगा वो, ये मानता हूँ, जानता हूँ उसको, और मैं वोटिंग करा रहा हूँ। आप लोगों में से जो मुंतखब होगा वो सीट पर आएगा, लेकिन जहन में रखे साहब आपको पता नहीं है 3 मरतबा जेल भी जा चुका है ये। गंजे तुम तो जेल से डरते हो। मैं तो ये पूछता हूँ कि मुझे क्यों निकाला? तुम्हें निकाला क्या, तुम खुद निकल जाते हो। काम करोगे तो नहीं निकाले जाओगे, काम करोगे तो कोई नहीं निकाले। काम की बुनियाद होती है जो आवाम निकालती है और रखती है। अब देखो क्या हिसाब से काम नहीं हो रहा था, इलेक्शन हो रहे हैं, अब इलेक्शन के जरिए जो भी आएगा वो काम करेगा। एक मौका, एक सरिया। मैं फिर तुम पर ये वाजे करती हूँ कि मैंने क्या नहीं, ये सुझ भी दिया मेरे लिए, उससे काम नहीं हो रहा। तुम लोगों ने जोर दिया कि इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन के जरिए जो आएगा वो काम करेगा। ठीक है, मैं इलेक्शन करवा रहा हूँ, लेकिन ये बात फिर मैं कहूँगा कि इसके बाद भी अगर काम नहीं करवाया तो मैं निकाल दूंगा। मैंने तुम लोगों को इसलिए मुंतखब करवाया है, अपने लिए नहीं, आवाम के लिए, कि काम हो। इसका फैसला कल होगा। काम होना चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए। तुम करप्शन तो अपनी जगह एक काम भी नहीं करते हो। ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं इलेक्शन करवाता हूँ। अब देखते हैं कि कौन जीतता है, और जो जीतेगा वो काम की बुनियाद पर ही जीतेगा और काम करेगा। काम करेगा तो उस सीट पर हमेशा रहेगा, और अगर काम नहीं करेगा तो उसकी जगह दूसरा आ जाएगा। वो इलेक्ट हो या सिलेक्ट हो, मुझे हर हालत में काम चाहिए, हर हालत में मुझे काम चाहिए। बस मुझे किसी से कोई लगाव नहीं है। तुम लोग मेरे दोस्त हो और दुश्मन भी हो। दोस्त यूं कि तुम काम करोगे तो मेरे दोस्त हो, और काम नहीं करोगे, मेरी आवाम को सहूलत नहीं मिलेगी, तो फिर मेरे दुश्मन। मैं तुम्हें कतई पसंद नहीं करूंगा। तुमसे मोहब्बत मेरी इसी वजह से कि मैंने तुम्हें आवाम के लिए चुना। क्यानी को ये सही नहीं है, लेकिन आज क्यानी अपनी सीट से जुदा हो रहा है। जो आपकी मर्जी, आपके आगे से जो आना मैंने छोड़ दिया, वो इस सीट पर बैठेगा। अब होंगे इलेक्शन, वोट डालिए अपना, मुंतखब कीजिए। मेरा वोट सपना की मैं करे। आप किसको कह रहे हैं क्यानी? अच्छा, आप जिसको वोट देंगे मैं उसी को मुंतखब करूंगा। शेख साहब को वोट दे रहे? मैं तो इन दोनों के साथ हूं जी। अच्छा, और चौधरी साहब आप क्या कह रहे हैं, आपका वोट किसको? महिला को देता हूं। तो अभी सर के बताऊंगा, वैसे डायरेक्ट तो मैं नहीं कर सकता। नफीस साहब फिर भी आपको वोट तो डालना होगा। देखिए ये मैं अपना वोट किसको देते हैं आप? आज ही फैसला होना है, आज ही फैसला। उनको किसको? हिना को। ज्यादा है कौन इसका हकदार है सीट का? सर कैसी बात कर रहे हैं? उसके बाद पता चलेगा। तुम बताओ नफीस साहब, खुलकर बताओ, बताओ किसको वोट दे रहे? जिसकी मुस्कुराहट अच्छी होगी जी। हाँ, मुस्कुराहट तो फीमेल की अच्छी होती है। फैसला कल कर ले। कल भी होगा, लेकिन फैसला जो है वो आज होगा। अब बताओ ये कैसी है? बहुत अच्छी है। और ये कैसी है? वो भी बहुत अच्छी है। अबे और चाहिए, तू क्या कर रहा है? अरे तुझे गाइड देने के लिए आया है। मुंतखब करो। बता दूं क्या? तुमने वोट किसको लिया? इसको। और तुमने? मैंने इनको दिया, हिना को। मैंने सपना को दिया। दो हो गए, जीतेगी तो वो, दो तो बराबर हो गए। अब फैसला हो गए। अब खान को बुलाओ। तुम बताओ चौधरी, तुम किसको वोट दोगे? अब मैं उसको वोट दूंगा, ये हिना। हिना ठीक है। अब ये काउंट किए जाए
कि किसके वोट ज्यादा है, कब होगा फैसला। हीना को, हीना ठीक है, हीना को, हीना को कितने वोट हुए? अस्सलामुअलैकुम। अच्छा मेरा ओठ, मेरा ओठ, मेरा ओठ, मैं तो आंखें बंद करके बताता हूँ, जिस पे भी मेरा हाथ गया उसको ओठ मेरा, ये मेरा ओठ, ये सपना सही सपना मेरा। अरे दुबला पतला सा टूटी फूटी वाला होता है। अरे कहाँ हाथ लेके जा रहा है? कैसे ऐसे फैसला सुनाए? आप फैसला सुनाए सर, फैसला सुनाए। ऐसे कैसे फैसला सुनाए? लो भाई, आप सबके कहने के मुताबिक वोटिंग भी हो गई है। इस वोटिंग का फैसला ये हुआ कि हिना इसमें हार गई है और सपना जीत गई है। सपना को जीत मुबारक हो। सपना से कहूंगा कि मैं अपनी सीट पर जाकर बैठे। शुक्रिया सर। और अपनी जिम्मेदारी संभाले। थैंक यू सर। असल ना इंसाफी मैं बता रही हूँ। उमर भाई जिंदाबाद, उमर भाई जिंदाबाद। तो इलेक्शन मुकम्मल हो गए, आप लोगों की वोटिंग पूरी हो गई और आपको पता चल गया कि कौन जीता है। लेकिन अब मैं आपको एक बात बता दूं कि आप ही की वोटिंग से जो मुंतखब हुआ है उसको आप मजबूत करेंगे, उसको काम करने का मौका देंगे, उसको काम जब करने का मौका देंगे तो उसका कहना भी मानेंगे। जब आप कहना मानेंगे, उसके हाथ मजबूत करेंगे, यकीन है। उमर साहब मैं बता रही हूँ, ये जो हमेशा इलेक्शनों में होती है ना, क्या कहते हैं उसको, धांधली, वो ये मेरे साथ। नहीं, ये क्या बात।